गाइस अगर से आप एक फ्री फायर के यूट्यूबर हो, चाहे वो छोटे यूट्यूबर हो, बड़े यूट्यूबर हो, या फिर अगर से आप फ्री फायर के यूट्यूबर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन उन्हें वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है जो कि उन्हें मिलना चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, जिस टाइप का कंटेंट अभी के टाइम पे बना रहे हैं, वो अगर ये सेम कंटेंट आज से कुछ 1.5 या 2 साल पहले बनाते थे तो आज इनके भी सब्सक्राइबर जो है वो लाखों में होते थे और इनकी भी गिनती बड़े बड़े यूट्यूबर्स में होती थी। और बड़े यूट्यूबर्स से याद आया कि कितने सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके सब्सक्राइबर जो लाखों में, मिलियंस में, लेकिन अभी के टाइम पर उन्होंने उनका यूट्यूब चैनल छोड़ दिया है। और इसके मेनली 2 कारण है, पहला कि फ्री फायर दिन बोरिंग हो रहा है, दूसरा कि फ्री फायर की ऑडियंस उतनी नहीं है जितनी पहले थी। और कुछ लोग होंगे जो बोले हैं कि फ्री फायर की पॉपुलरिटी अभी भी उतनी है जितनी पहले थी, तो मैं उन्हें एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि एक बार 2020 याद करके देखो, आपको याद आएगा कि उस टाइम फ्री फायर गेम क्या ही हुआ करता था। आप किसी भी जगह पे, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी गली में, किसी भी कोने कोने में चले जाओ, आपको फ्री फायर प्लेस मिल ही जाता था। उस समय कस्टम की वैल्यू इतनी ज्यादा थी, अगर से कोई कस्टम बना रहा हो तो कस्टम में एंट्री लेने के लिए झगड़े हुआ करते थे। पर अभी के टाइम पे तो कस्टम खेलने के लिए भी लोगों को ढूंढना पड़ता है, फिर भी नहीं मिलते हैं। अगर से मैं आपको मेरा बताऊं तो मैंने भी फ्री फायर को 2 महीने खेला नहीं। मैं सच बताऊं, जब से फ्री फायर का अपडेट आया है ना, तो मैंने अभी तक अपडेट भी नहीं किया। पर आज से 1 साल पहले क्या हुआ करता था, जैसे ही अपडेट आता था ना, अलग ही एक एक्साइटमेंट हुआ करती थी कि अपडेट आया है, जल्दी मैं अपडेट करूंगा, मैं देखूंगा क्या क्या फीचर्स आए, क्या क्या गन्स आए, एकदम अलग ही मजा रहता था। मैं क्या बताऊं, सही में यार पहले के टाइम पे फ्री फायर खेलने का अलग ही मजा हुआ करता था। पर अभी टाइम पे पता नहीं क्या हो चुका है कि फ्री फायर इतना ज्यादा बोरिंग हो चुका है कि अभी खेलने का मन नहीं करता है। और यही कारण है जिसकी वजह से कितने सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके व्यूज बहुत ही ज्यादा डाउन हो चुके हैं। और अगर से वो किसी और गेम के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो उस पर तो उससे भी कम व्यूज आते हैं, क्योंकि उनकी 95% वीडियो फ्री फायर की है। उनकी ऑडियंस जितनी भी है वो सारी की सारी फ्री फायर प्लेयर्स है, जिसके कारण उनका कंटेंट चेंज कर ही नहीं पा रहे, उनकी सारी ऑडियंस जो है वो फ्री फायर प्लेयर्स ही है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, हम इससे क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर से आप फ्री फायर की वीडियो डाल डाल के कैसे भी डाल डाल के ग्रो हो भी गए, और अगर से फ्री फायर फ्यूचर में बैन हो जाता है, या फिर अगर से फ्री फायर की प्रॉपर्टी जितनी आज उससे भी कम हो जाती है, मतलब कि 100 मिलियन से भी कम हो जाती है, तो तब आप फ्यूचर में सोचोगे कि अभी फ्री फायर पे उतने व्यूज नहीं आ रहे हैं तो मैं कंटेंट चेंज कर लेता हूं। और उस समय अगर आप एक कंटेंट चेंज कर लेते हो तो आपके सब्सक्राइबर तो होंगे 1 मिलियन, लेकिन आपके व्यूज जो आएंगे वो आएंगे कुछ हजार। और अगर से आप कंटेंट चेंज नहीं भी करते हो, फिर भी आपके कुछ हजार ही व्यू आएंगे, क्योंकि फ्यूचर में फ्री फायर की हालत ही ऐसी होने वाली है। अभी आप ही देखिए, जो यूट्यूबर स्टार्टिंग से पबजी या बीजीएमआई खेल के ग्रो हुआ है, अभी उनकी हालत कैसी है। और उसके सामने टेक्नो गेमर जो स्टार्टिंग में पबजी भी खेला करता था, लेकिन वो पबजी के साथ साथ दूसरे गेम्स भी खेलता था। पर अगर से आप उनकी हालत देखोगे तो उनकी हर एक वीडियो 5 मिलियन व्यूज टच कर ही देती है। तो इससे हमारे पास 2 रास्ते बचते हैं, पहला कि हम पूरे फ्री फायर को छोड़ दिए, फ्री फायर से एकदम दूर हो जाए, या फिर दूसरा कि हम फ्री फायर के साथ साथ दूसरे गेम्स भी खेले, या फिर हम फ्री फायर के साथ साथ कुछ दूसरी एक्टिविटी भी करें। पर अब एक क्वेश्चन आता है कि हमारी जितनी भी ऑडियंस है वो सारी की सारी फ्री फायर प्लेयर्स है, लेकिन अगर से हम अभी कंटेंट चेंज करते हैं तो हमारे कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा। तो ये भी एक क्वेश्चन है, पर इसका भी एक सॉल्यूशन है जिसका यूज है ना कुछ टोटल गेमिंग नहीं किया है। अभी हर किसी को पता है कि पहले के टाइम पे अज्जू भाई फ्री फायर के अलावा किसी और गेम को देखते भी नहीं थे, पर अभी के टाइम पे अज्जू भाई फ्री फायर से ज्यादा दूसरे गेम्स खेल रहे हैं। अभी इसके पीछे भी अज्जू भाई ने एक टेक्निक का यूज किया है। अज्जू भाई एक ही फ्री फायर शिफ्ट नहीं हुए थे, पहले के टाइम पे अज्जू भाई फ्री फायर ही खेला करते थे। फिर अज्जू भाई ने क्या किया, अज्जू भाई ने 10 में से 1 वीडियो किसी और गेम की डाली। फिर कुछ दिन बाद अज्जू भाई ने कंसिस्टेंसी को थोड़ा चेंज किया, फिर अज्जू भाई ने 10 वीडियो में से 2 वीडियो किसी और गेम की डालना शुरू की। तो यहाँ पर अज्जू भाई ने टेक्निक का यूज किए थे, अज्जू भाई ने कंटेंट को एक चेंज नहीं किया था, अज्जू भाई ने एकदम स्लो प्रोसेस में कंटेंट को चेंज किया। फिर उसके बाद अज्जू भाई ने 10 वीडियो में से 3 वीडियो किसी और गेम में डालना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद 10 वीडियो में से 4 वीडियो, फिर 10 वीडियो में से 5 वीडियो। फिर ऐसी करते करते जो अज्जू भाई कंटेंट पहले के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ फ्री फायर का हुआ करता था, अभी के टाइम पे वो हर एक गेम के वीडियो डालते हैं। तो ऐसे अगर से आपने भी कंटेंट को चेंज करने का डिसीजन ले लिया है तो आपको भी स्लो प्रोसेस में कंटेंट को चेंज करना है। और मैं आपको पहले ही वार्निंग दे रहा हूं, अगर से आप कंटेंट को एक ही चेंज करते हो, एक ही दम से चेंज करते हो, तो आपके चैनल के लिए अच्छा नहीं होगा। तो अभी एक सवाल आता है कि हम कंटेंट चेंज कर रहे हैं लेकिन हमें डालना क्या है? तो देखिए, आपको ऐसा कुछ करना है जिसकी वजह से आपकी ऑडियंस बनी रही, आपका कंटेंट भी चेंज हो जाए। फॉर एन एग्जांपल, मैंने आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जो कि थी हाउ टू ग्रो फ्री फायर गेमिंग चैनल, जो कि थी फ्री फायर से रिलेटेड। फिर उसके बाद मैंने एक और वीडियो डाला था जो कि थी हाउ टू गेट मोर व्यूज ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ही मेरे कंटेंट को चेंज किया। जो पहली वाली वीडियो थी वो यूट्यूबर्स के लिए थी पर वो फ्री फायर से रिलेटेड थी, पर जो सेकंड वाली वीडियो थी वो यूट्यूबर्स के लिए तो थी पर उसमें फ्री फायर का मैंने नाम भी नहीं लिया था, क्योंकि मुझे मेरी प्रीवियस वीडियो से पता चला कि मेरी जो ऑडियंस है वो सारी की सारी यूट्यूबर्स है। तो तभी मुझे एहसास हुआ कि अगर से मैं टैग कैटेगरी की वीडियोस भी डालूंगा तो मेरी वीडियो पे व्यूज आने ही है। तो इससे हुआ क्या, मुझे मेरा अगला कंटेंट मिल चुका है। अभी वो कैसे मिला इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। आई नो ये थोड़ा हार्ड है पर इम्पॉसिबल है नहीं। तो ध्यान दीजिए, आप भी थोड़ी रिसर्च करिए, आप भी देखिए कि आपकी ऑडियंस आपके साथ साथ और क्या देखती है, या फिर आप YT स्टूडियो पे जाकर ये भी देख सकते हो कि आपकी ऑडियंस आपके साथ साथ और किस किस वीडियो को देखती है। तो इससे आपको हिंट तो मिल ही जाएगा, लेकिन ध्यान रहे उसमें आपकी नॉलेज भी होनी चाहिए, नहीं तो पता लगा कि आपको कंटेंट के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं है लेकिन आप चले गए वीडियो बनाने। पर अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा हूँ, नहीं भी आ रहा हूँ तो बता देता हूँ कि मैं क्या करने वाला। तो देखिए, वैसे तो मेरे दिमाग में कई सारे न्यू आइडियाज है, लेकिन मैं जो भी करूंगा ना उसमें आपको मजा आने वाला है। और मैंने कह दिया हूं मैं टैग कैटेगरी की वीडियो बनाऊंगा, मतलब कि मैं आपको यूट्यूब के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहूंगा। और हाँ, टैग चैनल्स मतलब मैं आपको ऑडियो की तरह फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, मैं आपको जो भी बताऊंगा एकदम जेनुइन चीज बताऊंगा, नहीं तो पता लगे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हाउ टू गेट 1 मिलियन सब्सक्राइबर इन 10 डेज, हाउ टू गेट 1 मिलियन सब्सक्राइबर इन 1 मिनट, या कुछ भी कुछ वीडियो बनाते रहते यार। पर मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं, मैं आपको जो भी चीज बताऊंगा मैं आपको लाइव बताऊंगा या फिर मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा। और एक और चीज है, जिस चीज की डिमांड आप लोग करोगे, मेरी ऑडियंस करेगी, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर ही रहूंगा। और बात रही फ्री फायर की, तो मैं फ्री फायर को तो छोड़ने वाला हूं नहीं। और अभी कोई लोग बोले हैं कि आप पलटू बाजी,
यार कुछ भी बोलता है। तो देखिए मैं फ्री फायर के ऊपर ही वीडियो बनाता रहूंगा और साथ ही साथ मैं दूसरे कंटेंट के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और अगर से मैंने इस वीडियो में कुछ भी बुरा कहा हो, कुछ भी गलती से मेरे मुंह से निकल चुका है, तो यार बच्चा समझ के माफ कर देना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप यार ये वीडियो देखने के बाद मुझे अनसब्सक्राइब प्लीज मत करो। और बहुत अजीब लग रहा है कि मैं हमेशा कहता हूँ सब्सक्राइब करो, पर आज मैं कह रहा हूँ अनसब्सक्राइब मत करो। और सब्सक्राइब से याद आया, थैंक यू सो मच फॉर 5K सब्सक्राइबर्स। मतलब मुझे लगा नहीं था यार इतनी जल्दी मेरे 5K सब्सक्राइबर हो जाएंगे। मतलब कुछ दिन पहले मेरे 1K थे यार, कुछ 4 या 3 महीने थे 1K, और आज हो चुके हैं 5K। तो उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर योर लवली सपोर्ट। और आज 5K हो गया है तो कुछ दिन बाद 10K भी होने वाला है, तो उसके लिए भी थैंक। और अगर से आपके माइंड में कोई भी कंटेंट है जो कि आप मुझे बोलना चाहते हो, तो आप बेझिझक कमेंट में बोलो ना यार, आप बोलते नहीं यार, कमेंट में कुछ कंटेंट बताओ। तो चलिए आज कुछ अलग करते हैं, जिसका कंटेंट मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया तो मैं उसे अगली वीडियो में फ्री प्रमोशन दूंगा। तो जल्दी जाओ कमेंट करो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।